तो तीन ऐसी शॉर्टकट जान लीजिए टैली प्राइम के अंदर, जो आप लोगों के काम को करेंगी आसान और आपको करेंगी तेज भी। चल झूठा। तो चलिए देखते हैं वो शॉर्टकट कौन सी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑल्टर में, आप यहां पर कोई भी लेजर बना रहे हैं और लेजर बनाते समय अगर आप एंटर प्रेस करते हुए डेटा को यहां पर ले आए, मान लीजिए आप एंटर प्रेस करते हुए अपने कर्सर को यहां पर ले आए, और अगर आपको वापस से नाम में कुछ एडिटिंग करनी है और आपने जो नाम लिखा था जैसे अल्फा प्रोविजन इसमें नाम लिखा है और अब आपको बैक जाना है, तो आपको बैक स्पेस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करिए, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दीजिए और ये देखिए आप पहुंच चुके हैं यहां पर एकदम जल्दी। और अगर आपको मान लीजिए लास्ट के अंदर यहां पर एडिटिंग करनी है और एडिटिंग करने के लिए आप यहां पर कुछ भी लिखेंगे तो टाइप हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका कर्सर है अभी स्टार्टिंग में ब्लिंक हो रहा है, अगर आप लोगों को इसे एंड में ब्लिंक करना है तो आप क्या करिए एंड की प्रेस करिए, और एंड की प्रेस करने के बाद आप बैक स्पेस के साथ इसे रिमूव कर सकते हैं और अब आप अपना नाम यहां पर टाइप कर सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों अगर आपको एंड में जाना है एकदम से, तो यहां पर आप लोगों को प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एंड की, और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे तो आप एकदम एंड पर जहां पर डेटा खत्म हो रहा है वहां पर आ जाएंगे, यानी बिना डिटेल्स भरे सारी डिटेल्स को स्किप करते हुए आप एकदम एंड पर आ जाएंगे। तो ये थी दो ट्रिक्स। चलिए बात करते हैं तीसरी, जो कि बहुत ही कमाल की ट्रिक है और मुझे काफी पसंद है ये। तो ये ट्रिक है रिलेटेड वाउचर एंट्री से। दोस्तों मान लीजिए आप वाउचर में एक एंट्री पास कर रहे हैं और यहां पर मान लीजिए आपने एक पार्टी सिलेक्ट करी जैसे HKN Enterprises और इसमें आप लोगों ने 25,000 रुपए की पेमेंट कर दी, और यहां पर 25,000 रुपए की जो पेमेंट आप कर रहे हैं ऑन अकाउंट आपने कर दी, लेकिन यहां बैंक के थ्रू जो पेमेंट आपकी जा रही है वो कम जा रही है और बाकी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप बैंक का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 70% ही बैंक का बैलेंस आप लोगों से पे करना चाहते हैं, बाकी 25,000 में से सिर्फ 70% पेमेंट आप चाहते हैं, तो यहां पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो सकती है। दोस्तों वो कैसे, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहां पर प्रेस करना है Alt C, और Alt C प्रेस करते ही कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा आपको लिखना है 25,000 इनटू करना है 70 और उसके बाद परसेंटेज दबा देना है, और परसेंटेज दबाने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये देखिए दोस्तों अब आप क्रेडिट में बाकी अमाउंट डिस्काउंट रिसीव के नाम से डाल सकते हैं और इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर दिखा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए ना आप लोग यूज करके देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये तीन ट्रिक्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।